जैसा कि तुम्हें मालूम है 10 नवंबर को हज़रत उत्पला चैत्र रमतल्ला का 270वां यम पैदाइश का दिन है, यानी जैसे जयंती कहते हैं उर्दू में से यम पैदाइश बोलते हैं। अब तुम्हें अपने फेसबुक के अकाउंट से हर तरफ मतलब जो भी जैसा मसला आता है उसे तुम्हें सामने आती है। अब ये मसले को मतलब क्या बोलना चाहते हैं आप, जो आने वाला दिन आने वाले संडे को है उस तरफ से तुम्हारे क्या ख्याल है? पहले तो मैं हमारे आका दो जहाँ उनकी जश्न ईद मिलाद उन्नबी की 10 तारीख को मैं मुबारकबाद देता हूँ। और दूसरा रहा हज़रत शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का जो जयंती बोलती जन्मदिन है, उस दिन 270वां जन्मदिन है जी। उनके जन्मदिन के रोज और मैं पहले थोड़ा पीछे जाना चाहूँ, उन्होंने क्या करें हिस्ट्री के बारे में, क्या करे क्या नहीं करे वो बारे में। देखो हजरत शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह हमारा वंटी के बादशाह नहीं थे, और एक मामूली बादशाह भी नहीं, एक आम बादशाह भी नहीं, एक वली सिफत बादशाह थे उन्होंने, और हर कौम के बादशाह थे उन्होंने, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर कौम के बादशाह थे। हिंदू मुसलमान को दो आंख के सर का देखते थे हर वक्त भी, और आज भी श्रीरंगापटना को जाकर देखेगा तो हमें वहाँ देवल भी है, मस्जिद भी है, चर्च भी है, हर एक चीज़ भी है। उन्होंने किसे भी गलत समझनी और गलत निगाह से देखे नहीं, और कुछ गलत इस्तेमाल क्या चीज़ को भी करता नहीं, तमाम को एक साथ समझ को ही है। और रही दूसरी बात आपको आज लाखों के हजारों के आदमी काम कर लग जा रही कमाले को जा रही जो रेशम रेशम कौन लगाए वो छानबीन कौन करे? हजरत शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह छानबीन करे और रेशम ले लगा है, रेशम ले लगा आज जो मैसूर सिल्क कर को बोला को जो साड़ी बन चे वो हमें भी पहनती, हमारा गैर भाया भी पहन गैर पहनती इस्तेमाल करती, हर एक आदमी भी इस्तेमाल करती इसके बारे में, वो चीज़ भी हजरत शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ले लेता है जी। रहा तीसरी बात आपको जो कैरेस का जो डैम बन को है वो कौन बने, उसका प्लानिंग कौन भी जी। रहा विश्वेश्वरैया जी उन्होंने रखो बंदे रहेंगे जी, लेकिन उसकी पूरी प्लानिंग देखो हमारे हजरत शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह। आज को भी जब मैं बचपन में हमारे अम्मी अब्बा के साथ जाता था तब मुझे बुलालक जनरेशन को मेन गेट में सामने के गेट में छोड़ देते कोई जी, जी। सामने के गेट के पास राइट साइड के डोर के ऊपर शहीद की फोटो है जी, जी। सबकी फोटो लगा छोड़ी नहीं ना, खाली शहीद की फोटो है इधर विश्वेश्वरैया जी, जी। सबकी फोटो उसको लिखकर भी है, उसको लिखकर भी है जो इन प्लानिंग बना दो देखो। और हमारे नौजवान से मैं अपील करता हूँ आज भी जाको देखो, आज भी मौजूद है वो, क्या भी हटा को नहीं क्या भी कर को नहीं, आज भी है ता खयामत तक भी रहते हो इंशाल्लाह। जब तक उनकी नो प्लान देखो जो बना को इन चीज, जब तक उनका हुक्म नहीं हो सकता तब तक वो डैम भी क्या भी नहीं होती, उतनी बड़ी हस्ती उतनी बड़ी ताकत बना को सोच रहा रहा। और जो स्कूल के बुकान से इससे सभी जो उनकी हिस्ट्री क्लोज कर डालो छपा डालो अगर को बोल रही, आखिर क्या क्या छपाती देश विदेश में सब इनके चीज़ आई, इन्होंने जो जो काम कर पाई क्या क्या कर पाई क्या क्या नहीं कर पाई सब चीज़ देश विदेश में सब है, तो इन्होंने वहाँ सभी हटा सकती क्या नहीं। और हमारी कौम जो मुसलमान जो हजरत शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को दिल से जो चाहती है, हर एक इंसान भी चाहता नहीं कर कोई, लेकिन हमारे जो कौम के हमारे नौजवान आई उनको आज छानबीन भूत करती है, और देश विदेश को जाना हमारे कौम को कौन सी बड़ी बात नहीं, पूरा जाती है जाको इन कत्ता निकालो तो जाक छानबीन कर लेको आती ही चाहिए आंख ले लगा को बताती प्रूफ बताती ऐसी हमारे को इन कुछ भी नहीं कर सकते। रहा येडियुरप्पा जी का और यहाँ के जो प्रताप सिंह MP उनका मोदी जी का अमित शाह का मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, इन येडियुरप्पा जी आको एक पुण्य पंडित रह सका यहाँ के जो प्रताप सिंह मीर सादिक ये अमित शाह भी मोदी इन दो जने अंग्रेजा रह सकता पूरे देश को तोड़ जान रही ना सब कुछ देख रही ना पूरे देश को तोड़ को सब कर को
और इन पानी पो के बुलबुल इनकी राख पानी के अंदर चले जाए हमें यहाँ दफन हो कोई सो हजरत शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह पर्दा हो कोई उनके आज को भी प्रूफ है कि उनको यहाँ उनकी निशानी है उन्होंने यहाँ ही कर को बुला दो हमारे कौम के हमारे माँ बाप कोई भी इंतकाल करे तो उनको भी यहाँ दफना दें सो उनका भी प्रूफ रहता है कि उन्होंने यहाँ छीन कर को बुला दो इनका क्या तबियत प्रूफ बताओ और हाँ ये दुर्मुन सरकार है ये सरकार के बारे में ऐसा कर डाल रही है इन्होंने निकाला होती है वो सब क्या भी दिमाग खराब कर लेने का नहीं है दो साल रहतेंगी तीन साल रहतेंगे पाँच साल रहतेंगे भाई जिंदगी भर ताकयामत तक जिंदे रहने वाले छोड़ दो उनको ये पूर्ण पंडित क्या बताऊँ को सभी दिमाग खराब कर लग रहे तो क्या भी होने का नहीं है और मैं हमारे नौजवानों से भी एक अपील करता हूँ ज़्यादातर जो आज हमारे ऊपर सवाल उठा रही हमारी एकता को तोड़ना चाह रही उसके अंदर तुम्हें सब ये गौर फिक्र करना पड़ता है कि अब इसके बाद क्यों होगा तो मुझे भी आज तक इतनी जानकारी नहीं थी मैं भी जरा 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 अगर कोई हिस्ट्री देख ले तो मैं भी जानकारी ले लेकर आ रहा हूँ मैं तुम्हारे लोगों से अपील करता हूँ कि अपना मोबाइल तो आपके पास रहता है गूगल आपके पास रहता है हिस्ट्री जाना हमारी कौम के वास्ते कौन कौन क्या क्या कर कोई सामने वाले को हमें जवाब देने के वास्ते एक हमारे पास हथियार रहता है अब हमें वो हिस्ट्रीच नहीं जाने तो हमें दूसरे में रहे तो हमें सामने वाले को आंसर नहीं देख सकते जैसा कि तुम्हें मालूम है ये हिस्ट्री को लेकर येडियुरप्पा ने एक कमेटी बनाई टेक्स्ट बुक कमेटी अब उसके चेयरमैन जवाब दिए उसके बारे में क्या बोलूँ चेयरमैन ओपन बोल को है ना कि जो हिस्ट्री है उसे हमें कैसा निकाल सकते नहीं होता निकालने के वास्ते अगरचे ये कुछ नई हिस्ट्री रहती क्या अलग से रहता तो कुछ करा जाता ये हिस्ट्री को हमें नहीं निकाल सकते और ये हिस्ट्री सारी दुनिया में है सो मैं ऑलरेडी पहले भी इसका जवाब दिया अब जो टेक्स्ट बुक चेयरमैन है उन्होंने भी इसका जवाब दे कोई उनको ये भी हमारा बहुत बड़ी खुशी की बात है मैडम भाई कल बिस्मिल्लाह सोसाइटी बोल बहुत बड़ी सोसाइटी बैंगलोर में जो एजुकेशन के वास्ते काम कर रही उन्होंने मैसूर के प्रमोदा देवी को बुलाए थे तो उन्होंने भी तकरीर करे उसके बारे में क्या बोलूँ उन्होंने भी अंके रानी शमा जी नहीं उनके बेटे एडवेज उन्होंने भी अंके राजा शमा जी फिर अब उन्होंने चेता बड़ा सवाल दिए के बाद उन्होंने उनको आंसर दिया ले के बाद और दूसरे क्या बोल सकती कोई हजार आदमी मैं बोल रहा हूँ ये सब सिर्फ पॉलिटिक्स और जितना ये इनो बीजेपी में हमने उठा को दे रही होता भी हमने अच्छा अच्छे क्यों हो तो हमें घर के अंदर कर लेते थे टीपू जयंती जन्मदिन जो है घर के अंदर फाते अदरुद करके हमें कर लेते थे आज हमें रोड पर उतर को शानो शौकत से करना हो तो मैं येडियुरप्पा जी का शुक्रिया अदा करता हूँ पूर्णिया पंडित का और वो प्रताप सिम्हा जो मीर सदीक है चिप जा जाकर पिन्ना मार मार को मैसूर के अंदर जो अमन और शांति है उसे तोड़ना चाहता मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ प्रताप सिम्हावरे निम्गू धन्यवाद येडियुरप्पनवरे निम्गू धन्यवाद इन मैं दो जने को भी शुक्रिया अदा करता हूँ और रहा इन्हों सब ये सब काम करने से पहले मैं और एक बात बोलता हूँ जब हमें शहीद के दरबार को जाते इन्हों कोई क्या भी कर डाले हमें वो दरबार के अंदर जब खड़को जिक्र करती है हमें तब तहे दिल से हमें शहीद को याद करती जब खुद को खुद ऑटोमेटिकली हम ना क्या होता है उनकी जो जो करको ही जो जो उनके साथ राजा थे ना उस टाइम को जो जो करको ही वो सब उन्हें मालूम हो जाए इंशाल्लाह ऐसे हम सब क्या भी दिमाग खराब कर लेने का क्या भी नहीं है और मैं हमारे एक परसों एक मीटिंग भी तुमने मालूम रहेगा एक्स एग्जीबिशन चेयरमैन अब्दुल्ला भाई अब्दुल अजीज अब्दुल्ला भाई और यहाँ के हाली MLA तनवीर सेठ साहब पूरे और HDP के पूरे मिलको एक जो मीटिंग करे हमें मीटिंग करे इसके अंदर मैं तनवीर सेठ साहब का और हरदिल अजीज अब्दुल्ला भाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमने पूरे नौजवानों को पूरे हमको एक रहना एक यूनिटी बनना अगर को बोला को तो जो तुम्हें एक मकसद से एक मैसेज दी है मैं भी इसका तुम्हारा पूरे अंग का शुक्रिया अदा करता हूँ और तुम्हारा चैनल का भी मैं बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि हर वक्त भी आप दिन के बारे में रन दें क्या भी सवाल करने के वास्ते रन दें मुझ गुस्सूस को सामने को हिस्सा लेती हूँ तुम्हें अल्लाह तुमने और ताकत और कुवत भरें दें और तुम्हारी परेशानियाँ दूर होंगे मुझे एक ही चेक और एक तुम्हारे से ये करता हूँ हमारे नौजवानों को एक कंट्रोल करना और उस दिन 10 तारीख का रोज़ पठान की जामिया मस्जिद में आसार मुबारक रहता है मैं ये क्या वास्ते बोल रहा हूँ तो ये ज़रूर से सुनना
उस दिन यहाँ से जो रैली निकालने को जाती है, मेहरबानी से पठान तक कोई भी रैली निकालने जाने की जरूरत नहीं है, क्या भी वो ऐसा करना करेगा भी क्या भी नहीं है, आराम से जो वहाँ आसारे मुबारक रहता है आसारे मुबारक की ज्यारत कर लियो, क्यों तो ये मौके को जप रही है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस दिन जश्न ईद मिलादुन नबी है, इस दिन के वास्ते उन्होंने ये दो भी मिल गया तो उनके अंदर का एक रहमदा खून खोलता रहेगा, ये खून के अंदर उनको हमें आशीर्वाद को अभी पकाने की क्या भी जरूरत नहीं है, हमारा है हमें आराम से कर लेंगे क्या भी नहीं, लेकिन आसार मुबारक रहता उसका एहतराम करते हुए एहतराम कर ले जाकर तो बहुत खुशी हो चे सब नौजवान ये करे। आपकी तरफ से मतलब रैली वगैरह में जमती इंशाल्लाह पूरे हमारे मोहल्ले वाले पूरे जमती इंशाल्लाह जिनको आप तो देखते हैं हर साल इंशाल्लाह कर लगाती हैं हमने जी, इस साल भी इंशाल्लाह और जोरों शोर से करते हैं क्योंकि तो हमारे आखिर दो जहान का है जश्न ईद मिलादुन्नबी है, उनका करम है उनके सदक़े हमें है, हर एक चीज़ को हर एक इसे उनके सदक़े हमें हमारे माँ बाप के दुआ का सदक़ा जिले को जारी, आज तुम्हारे सामने बैठ करते हुए न्यूज़ में हमें बात करना तो तभी हमारे माँ बाप का सदक़ा है बात करेंगे उसमें इंशाल्लाह मैं ज़रूर करती हूँ। और आखिर में मैं एक और एक बात बोलना चाह रहा अपील है मेरे से 7 से 17 तारीख तक जो बाबरी मस्जिद का फैसला होने वाला है जो सुप्रीम कोर्ट आर्डर देने वाली है वो चाहे आर्डर हमारे तरफ होने फैसला चाहे उधर फैसला होने इसके बारे में हमें क्या भी कौन भी क्या भी दिमाग ख़राब कर लेने का नहीं है, आराम से सुकून और अमन से हमें रखो इसके अंदर इसके आगे को क्या करना हमें हमारा एकता बना लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अमन और शांति से और दिमाग लगा को हमें दिल से सोच को दिमाग लगा को काम करेंगे हौली में क्या भी कर लेने का नको बोलते मैं नौजवानों के वास्ते ये बात का खास ख्याल रखो शुक्रिया।